हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे कि टू हिंज्ड आर्चेस को कैसे सॉल्व करते हैं या एनालिसिस कैसे करते हैं टू हिंज्ड आर्चेस का। आप लोगों ने इससे पहले थ्री हिंज्ड आर्चेस सीख ली हैं। थ्री हिंज्ड आर्च एक डिटर्मिनेट आर्च होती है, ठीक, क्योंकि थ्री हिंज हैं उसमें। जैसे कि अगर हम ये एक ऐसा आर्च बनाएं जिसमें एक यहाँ पे हिंज हो, एक यहाँ पर हिंज हो और एक यहाँ पर हिंज हो, ठीक, तो अननोन कितने होंगे, एक ये अननोन, एक ये अननोन, एक ये अननोन और एक ये अननोन, ठीक, टोटल चार अननोन जो होंगे, टोटल चार अननोन होंगे, ठीक। और आपके पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं वो तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हर समय प्रेजेंट होती हैं, और इस हिंज की वजह से, इस इंटरनल हिंज की वजह से एक और इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें मिल जाएगी, ठीक। तो जो हमारा जो हमारा इनडिटर्मिनेसी आता है थ्री हिंज्ड आर्च का, वो होता है ज़ीरो, ठीक। तो थ्री हिंज्ड आर्च एक डिटर्मिनेट आर्च है जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना इससे पहले सेमेस्टर में सीख लिया होगा। उसको सॉल्व करना बहुत आसान था। उसमें हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, किसी भी एक एंड के अबाउट मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो ले लेते थे तो दूसरे एंड पे लगने वाला वर्टिकल रिएक्शन हमें मिल जाता था। और फिर हम लोग जो क्राउन पॉइंट होता है, क्राउन पॉइंट ये होता है, जैसे इस पे ये है क्राउन पॉइंट, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं क्राउन पॉइंट। तो क्राउन पॉइंट पे जब थ्री हिंज आर्च होता है तो वहाँ पर एक हिंज होता है, तो हिंज के अबाउट मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो लेने पर भी एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो सॉल्व हो जाता है, और फिर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू ज़ीरो करके हम दूसरा रिएक्शन भी फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन ये तब की बात होती थी जब ये जो आर्च होता था वो थ्री हिंज्ड आर्च होती थी। अब हमें टू हिंज आर्च सीखने हैं। तो देखिए, टू हिंज आर्चेज में जैसे नेम से ही पता चल रहा है टू हिंज्ड होगा, तो देखिए एक हिंज यहाँ पर है और एक हिंज जो है वो यहाँ पर है। चार रिएक्शंस होंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, मतलब दो हॉरिजॉन्टल एंड दो वर्टिकल, मतलब टोटल अननोन है फोर, रिडंडेंट फोर्सेज हैं फोर। और इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो अवेलेबल होती हैं वो होती हैं थ्री, मतलब कि टोटल इनडिटर्मिनेसी हो गई इसमें वन। मतलब टू हिंज आर्च एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और इसकी इनडिटर्मिनेसी होती है वन। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, आपके सामने एक टू हिंज आर्च बनाई हुई है। इसमें क्या है, इसमें सभी वर्ड्स देख लेते हैं। ये हमारा क्राउन पॉइंट है। क्राउन पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे जो पॉइंट होता है उसे हम लोग क्राउन पॉइंट बोलते हैं। और ये जो इस क्राउन पॉइंट का इनके बेस से जो हाइट होता है इसे बोलते हैं राइज ऑफ आर्चेस, ठीक। तो ये जो एच दिख रहा है वो क्या है, राइज ऑफ आर्चेस है। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स है इसे क्या बोलते हैं, स्पान ऑफ द आर्च बोलते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें यहाँ पर एक सेक्शन ले लिया। अब इस सेक्शन की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम लोग स्मॉल एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसी सेक्शन का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको हम लोग स्मॉल वाई से इंडिकेट करेंगे। आगे हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी जितने भी वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं ये सब आगे जो है वो यूज़ होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोग वी ए, वी बी, एच ए, एच बी, यानी जो हमारा हिंज है, हिंज सपोर्ट है, उस सपोर्ट पे लगने वाले वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान है, दो तरीके से, आपको जो तरीका समझ में आए। सबसे पहला तरीका ये है कि हम भूल जाते हैं कि ये एक आर्च है और हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना देते हैं और उसमें सेम लोडिंग, जो लोडिंग टू हिंज आर्च में लगी हुई है सेम लोडिंग उस आर्च में रखते हैं, और फिर
किसी भी एक जॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो रखने पर हमें वर्टिकल दूसरा जो इंड होगा उस पर लगने वाला वर्टिकल सपोर्ट हमें मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी तीन चार लोड लगे होते, सपोज इधर पॉइंट लोड ऐसे लगा होता, ये स्पान एल होता, तो हम लोग ये भूल जाते कि ये एक आर्च है और हम लोग क्या करते, एक एल स्पान का एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते और इसमें उन्हीं की पोजीशन पर, जहाँ पर ये पोजीशन जितनी एक्स डिस्टेंस पर है, सेम पोजीशन पर ये जो वर्टिकल लोड लग रहे हैं W1 W2 ये लगाते और फिर इसके अबाउट इस जॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो लेते, तो फिर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती कि क्योंकि एक यही अननोन होता। फिर हम लोग वर्टिकल फोर्सेज का समेशन इक्वल टू जीरो, यानी दिस प्लस दिस फोर्स इक्वल टू दिस प्लस दिस करते तो हमें ये वाला फोर्स मिल जाता। मतलब कि अगर हमें वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं तो वर्टिकल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम पूरी आर्च को एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेते हैं और उसमें लोडिंग लगाकर जैसे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करके हम लोग वर्टिकल रिएक्शन को निकाल सकते हैं। ठीक, यही एक तरीका वैसे तो है, लेकिन दूसरा तरीका हम ये भी मान सकते हैं कि हम लोग उसको सिंपली सपोर्टेड बीम ना मानते हुए सिंपली एक इसके अबाउट मोमेंट इक्वल टू किसी भी एक जॉइंट के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो ले लेने पर भी हमें सेम वैल्यू जो है इसकी वैल्यू मिलेगी। फिर वर्टिकल फोर्सेज का समेशन इक्वल टू जीरो कर देंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्टिकल रिएक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए थ्री हिंज आर्च में तो बहुत आसान था, किसी भी जो उसका क्राउन पे जो जॉइंट होता था, जो क्राउन पे जो हिंज हो रहा था, उस हिंज के अबाउट मोमेंट इक्वल टू जीरो ले लेते थे तो हमें जो हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन था वो हमें मिल जाता था। लेकिन यहाँ पर टू हिंज आर्च में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब क्राउन पर हिंज नहीं है। ठीक, अब जब क्राउन पर हिंज नहीं है तब हमें एच का एच ए या एच बी का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक चीज़ ध्यान देनी होगी, वो ये है कि देखिए इससे पहले क्या होता था, इससे पहले ये होता था कि जो मूवमेंट है, मतलब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेस हो सकता था, जो बी पॉइंट है वो हमारा डिस्प्लेस हो सकता था क्योंकि ऊपर हिंज लगा हुआ था और उस पर किसी भी तरीके की लोडिंग लगने पर बी अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह पर जा सकता था। लेकिन चूंकि अब ये टू हिंज है इसलिए ऐसा होता ही है कि ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, यानी कि द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइदर हिंज विद रिस्पेक्ट टू द अदर इज ज़ीरो। ए का मोमेंट बी के रिस्पेक्ट में या बी का मोमेंट ए के रिस्पेक्ट में ज़ीरो होगा, दोनों ही पॉइंट अपनी ही जगह पर रहेंगे, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करेंगे। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग करेंगे तो अब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो सेक्शन है, सपोज़ मान लेते हैं कि हमने एक सेक्शन लिया, अब ये सेक्शन एक्स एक्स इसको नेम दे देते हैं, ये एक्स एक्स सेक्शन लिया हमने किससे, ए जॉइंट से स्मॉल एक्स की डिस्टेंस पर। ठीक, अब ऐसा हम मान लेते हैं कि बी मूवमेंट जो है वो एम है, बी मूवमेंट एम है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं इनकी वजह से जनरेट होने वाले जो मोमेंट है उनके इफ़ेक्ट को अगर हम लोग ना लें, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक ये जो स्पान एल स्पान का है तो एल स्पान का एक सिंपली सपोर्टेड बीम मान लें, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लें और उसमें जो इसमें लोडिंग आएगी वही लोडिंग यहाँ पर एज इट इज़ रख दें, फिर जो हमें किसी भी सेक्शन पर जो मोमेंट मिलेगा सपोज़ वो है एम। ठीक, एम है, मतलब एम क्या है, बीम मोमेंट है। अब इसी बीम मोमेंट में अगर हम देखिए सपोज़ यहाँ पर जो बीम मोमेंट है वो क्या है, एम है। ठीक है, बीम मोमेंट एम है और मान लीजिए एम एक्स क्या है, एम एक्स इस जो एक्स एक्स पोजीशन है इस पोजीशन पर एक्चुअली में मोमेंट है। ठीक, तो
mx अगर एक्चुअल में मोमेंट है और m हमारा बीम मोमेंट है, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, मतलब mx और m में आपस में क्या रिलेशन है। तो देखिए, ये जो करंट कंडीशन आपको दिख रही है, ज़रा इसी से देख लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये सेक्शन हमने लिया, तो इस सेक्शन पर अगर हम लोग एक्चुअल में जो मोमेंट है मतलब mx निकालना चाहते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए, va into x, ये क्या है, ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, और HA into Y ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। देखिए, VA into H क्लॉकवाइज और HA into Y जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस का HA into Y, जिसमें से ये जो VA into X आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है बीम मोमेंट। बीम मोमेंट मतलब कि सिंपली सपोर्टेड बीम, माना X डिस्टेंस पर यहाँ पर मोमेंट निकालने की कोशिश की, तो देखिए VA into X, ठीक है। तो मतलब कि mx इक्वल टू m माइनस ha इंटू वाई, ये हमारा केस हो गया, ठीक है। तो यानी किसी भी जगह पर अगर हमें मोमेंट चाहिए, तो यानी mx इक्वल टू होगा क्या, m माइनस h इंटू वाई, मतलब कि बीम मोमेंट माइनस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट मल्टीप्लाइड बाई जिस सेक्शन पर हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस सेक्शन का वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। अब अगर हमें mx पता चल गया है तो हम टोटल एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं, ठीक। टोटल एनर्जी स्टोर निकालने के लिए, ये देखिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है mx इक्वल टू m माइनस hy। टोटल एनर्जी स्टोर निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड बाय द होल आर्च इक्वल टू, अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें wi से, तो wi इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mx स्क्वायर ds अपॉन 2EI, जिसमें से mx क्या है, उस आर्च पर एक्चुअल मोमेंट है, जिसका वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया वो क्या था, m माइनस एच वाई था। तो m माइनस एच वाई का स्क्वायर ds अपॉन 2EI। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस के लिए ds जो है वो dx के बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए फिर से हम लोग चलते हैं इस पे, देखिए ds मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये है ds, ठीक है, और dx का मतलब है ये डिस्टेंस, ठीक। तो ये हुआ हमारा ds और ये हुआ हमारा dx, ठीक। तो arches के केस में भले ही ds इक्वल टू dx होता था, लेकिन बीम के केस में भले ही ds इक्वल टू dx होता था, लेकिन प्रेजेंट कंडीशन arches की है और arches में ds इक्वल टू dx नहीं होगा। ds डिपेंड करेगा टाइप ऑफ आर्च पर। अगर ये जो टाइप ऑफ आर्च है ये एक सेमी सर्कुलर आर्च होगा, तो ये ds इक्वल टू होगा r d थीटा, जबकि r क्या है, रेडियस ऑफ आर्च है, और d थीटा मतलब किसी भी थीटा डिस्टेंस के बाद जो हमने सेक्शन लिया है उस सेक्शन पर अगर हम लोग ds निकाल रहे हैं तो, ठीक। तो देखिए, ये जो इंटरनल स्टोर एनर्जी आया है इसका यूज़ हम लोग करेंगे। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो डिस्टेंस है, यानी जो स्पान है एल है, वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब रिलेटिव मोमेंट जो है वो ज़ीरो होगा। ए और बी का रिलेटिव मोमेंट जो है, रिलेटिव मूवमेंट जो है वो होगा ज़ीरो, मतलब ए और बी के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। किस डायरेक्शन की बात हो रही है, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट की बात हो रही है। अगर एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट की बात हो रही है, एक छोटा सा रूल्स जो है वो मे बी आपको अगर ध्यान नहीं है तो मैं एक बार आपको ध्यान दिला देना चाहूँगी।
जब आप लोगों को मैंने बीम सिखाया था, तो देखिए बीम सिखाया था, सपोज़ कोई भी स्ट्रक्चर है मान लीजिए, अब अगर इस पॉइंट पर ये जो पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको इस जगह पर ये जो सी पॉइंट जहाँ पर मैंने लिखा, इस जगह पर अगर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे कैस्टिगलानोफॉस थ्योरम से, हम क्या करते थे, डिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या करते थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट लोड, जो है ये करते थे, तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन हमें मिल जाता था। मतलब जिस जगह पर पॉइंट लोड लगा हुआ है उसके उसी पॉइंट लोड के रेफरेंस में टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड दैट मेंबर को पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस पॉइंट लोड के नीचे उसी डायरेक्शन में हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं अभी जो हम लोग केस देख रहे हैं उसमें, तो देखिए केस जो है वो ऐसा है। अब अगर हम किसी भी एक जॉइंट के लिए सॉल्व करें, मतलब जैसे अगर इस ये जो ये भी एक पॉइंट लोड की तरह ही तो है, ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये एच ए है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एच ए और एच बी जो है वो बराबर होगा, ठीक। तो एच ए एच ए एच बी लिखें या सिंपली एच लिखें, तो हम लोग जो है वो सिंपली यहाँ पर एच लिख रहे हैं, ठीक। तो ये एक एच फोर्स जो है वो लग रहा है। अब अगर इस पूरे मेंबर में स्टोर एनर्जी जो है वो क्या है, इंटरनल स्टोर एनर्जी जो है वो है डब्ल्यू आई है अगर, तो इस डब्ल्यू आई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर लोड, पॉइंट लोड जो लग रहा है उस डायरेक्शन में, चूँकि हमने बोला हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो है ज़ीरो, तो यानी ये जो डेल आएगा, इस डेल की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट लोड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अभी अभी हमने स्ट्रेन एनर्जी, स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी के लिए फॉर्मूला मतलब एक इक्वेशन डेराइव की है, उस इक्वेशन का बस हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको रख देना है ज़ीरो के बराबर, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिए यही चीज़ हमने बोली कि डेल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, डेल की वैल्यू कैलकुलेट होगी इंटरनल स्टोर्ड एनर्जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इक्वल टू ज़ीरो। अब डब्ल्यू आई की वैल्यू जो है वो क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ एम माइनस एच वाई का स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई। अब देखिए ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि इंटीग्रेशन है और उसके बाद डिफरेंशिएशन है, तो अच्छा होगा अगर पहले डिफरेंशिएशन कर दें और बाद में इंटीग्रेशन कर दें, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर अभी भी वही मिलेगा, लेकिन फ़ायदा क्या होगा हमारा कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच, ये एम माइनस एच वाई का स्क्वायर डी एस अपॉन टू ई आई, ठीक। तो ये एम माइनस एच को मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि टी है, तो टी स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, टू टी, टू एम माइनस एच वाई टी। अब इस टी का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, तो क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम बाई विद रिस्पेक्ट टू एच ज़ीरो हो जाएगा, माइनस माइनस, फिर ये माइनस क्या मिलेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एच एच वाई, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का वाई, तो ये देखिए माइनस का वाई डी एस अपॉन टू ई आई एज इट इज़ है, ओके। अब देखते हैं कि अब हम लोग चूँकि डिफरेंशिएशन पूरी तरह से हो चुका है, तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेशन को पूरा कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर टू से टू जो है वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचा, माइनस का एम वाई डी एस अपॉन ई आई, और प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई, ठीक। अब ये इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है, तो ये टू से टू पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये माइनस का जो टर्म है इसको हमने इधर भेज दिया, तो हो क्या गया, एम वाई डी एस अपॉन ई आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई।
अच्छा, एच की वैल्यू जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही है। एच की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे, हम एच को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने एच को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन ई आई, ठीक। तो इसमें से हम इस टर्म को डिवाइड में इधर भेज सकते हैं, तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला एच इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन ई आई डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस अपॉन ई आई। अगर ई आई जो है वो कांस्टेंट नहीं है पूरे आर्च के लिए, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर ई आई जो है कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म फ्रैक्चुरल रिजिडिटी है उस आर्च की, तो ई आई इधर से कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इधर भी ई आई कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन वाई इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस। ये जो फॉर्मूला डेराइव हुआ है ये एक जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है और ये हर जगह यूज़ होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, किसी भी जगह पर अगर हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकाल, किसी भी तरीके की लोडिंग के लिए अगर हमें टू हिंज आर्च में हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इक्वल टू होगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एस। इसमें वाई क्या है, वाई किसी भी सेक्शन पर वर्टिकल डिस्टेंस है, और एम क्या है, उसी सेक्शन पर सिंपली सपोर्टेड बेंडिंग मोमेंट है, ठीक। तो ये फॉर्मूला डेराइव हो गया है और ये फॉर्मूला यूज़ होगा टू हिंज आर्च में। अब हम लोगों को अलग अलग तरीके की आर्च को लेकर, अलग अलग तरीके की लोडिंग को लेकर फॉर्मूला डेराइव करना है, क्योंकि अगर कुछ स्टैंडर्ड केसेस के लिए फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी होता है, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने फॉर्मूले नहीं याद किए तो भी ये एक फॉर्मूला सफिशिएंट है पूरी आर्चेस को सॉल्व करने में, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को क्या मिलेगा कि सेमी सर्कुलर आर्च को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कुछ केसेस आप लोग देखेंगे, जिसमें से पहला केस होगा कि पॉइंट लोड, अगर पॉइंट लोड W जो है वो क्राउन पर लगा हुआ है, तो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको सीखना है। इसके बाद एक पॉइंट लोड को क्राउन से हटाकर किसी भी साइड लगा दिया जाए तो उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का क्या वैल्यू आपको मिलेगा। आपको हर समय पूरा डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं डेरिवेशन के बाद जो मिलेंगे, और उन्हीं फॉर्मूले पर डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करके आप एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। Thank you, students.